है दांत का उल्टा चश्मा। बाबू जी क्या खाएंगे? क्या क्या है तेरे पास? क्या होटल के वेटर की तरह क्या पूछ रहा है क्या खाएंगे? मतलब आपको क्या खाने की इच्छा है वो हिसाब से हम होटल पसंद करें ना। भाई टप्पू को पूछ लेंगे ना, उसे जो खाना होगा हम भी वही खा लेंगे। जी जी। अरे जी, चाचा जी आप लोग कहीं बाहर जा रहे हो? हाँ। नहीं। मतलब हम लोग बाहर मतलब कहीं एकदम दूर बाहर नहीं जा रहे, यही ऐसे ही लटर मारने जा रहे। किसे मारने जा रहे? नहीं नहीं किसी को मारने नहीं जा रहे, लटर मारने मतलब पग छोटा करने जा रहे। हाँ। मतलब घूमने जा रहे हैं, ऐसे ही चक्कर मारने जा रहे। हाँ, वो अभी खाना खाया ना। हाँ। तो ऐसे ही थोड़ा सा टहलने जा रहे। ओके। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं आपके घर पे आ रही थी ये रसगुल्ले देने। आपने सुबह कहा था ना? बहुत टाइम से आपने रसगुल्ले नहीं खिलाए। अरे उसमें क्या है, मैं आज ही आपको खिला देती हूँ। अय्यर की आंटी को चेन्नई भेजने के लिए मैं आज कुछ रसगुल्ले के डिब्बे मंगवाने वाली हूँ, तो मैं आपके लिए एक्स्ट्रा मंगवा लेती हूँ। नहीं बबीता जी, आपके हाथ के बने रसगुल्ले में जो बात होती है ना, वो बात ये डिब्बे के रसगुल्ले में नहीं होती है। अरे हाउ स्वीट ऑफ यू। आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं आपको मेरे हाथों से बने हुए रसगुल्ले बहुत जल्दी खिलाऊंगी। ओके बबीता जी, आप तो गजब है। मैंने तो बोला था ना कोई जल्दी नहीं है, आपने आज के आज ही बना दिए। दादाजी पापा आई एम रेडी। हाय बबीता आंटी। हाय। अच्छा दादाजी, मैंने रेस्टोरेंट में हमारे लिए टेबल बुक करवा दिया है। आप लोग बाहर खाना खाने जा रहे हो? हाँ, वो एक्चुअली आज पद्मावती भोजनालय से टिफिन आया नहीं, और जब दादाजी मसाला खिचड़ी बना रहे थे तो गैस खत्म हो गया। Oh no! और आपके घर का एक्स्ट्रा सिलेंडर तो मेरे घर पे है। हाँ बेटा, इसलिए हम लोग बाहर खाना खाने जा रहे हैं। नहीं नहीं, मैं आपको बाहर खाना खाने नहीं जाने दूंगी। अरे बबीता जी। क्या जेठा जी, आप भी, आपने तो मुझे एक ही पल में पढ़ाया कर दिया। हाँ, अरे ये क्या बोल रहे हैं आप, ऐसा मत बोलिए बबीता जी, ऐसा नहीं है कुछ। और नहीं तो क्या जेठा जी, आज आपने मेरी कितनी मदद की। आप अर्जेंटली मेरे लिए मिक्सर लेके आए, मेरे घर तक आपने सिलेंडर पहुंचाया। आज आपने इतनी मदद नहीं की होती ना, तो मैं अय्यर के लिए डिनर भी नहीं बना पाती। मेरे होते हुए मैं आप लोगों को बाहर खाना खाने नहीं जाने दूंगी। आज आप मेरे घर पे ही खाना खाएंगे। अरे नहीं बबीता जी, आज आपकी और अय्यर भाई की स्पेशल तारीख है, आप लोग सेलिब्रेट करो ना, हम तो खा के आ जाएंगे अभी। अगर आप लोग हमें ज्वाइन करेंगे तो हमारा सेलिब्रेशन सही मायने में सेलिब्रेशन होगा। प्लीज चलिए ना। ठीक है चल। तो फिर दादाजी मैं टेबल कैंसिल कर दूं? हाँ कर दे। हाँ कर दे कर दे। ग्रेट, प्लीज आइए आइए। आइए ना, प्लीज आइए। अरे एडरा चाचा जी, टप्पू। अरे हाँ, मैंने उन्हें डिनर पे इनवाइट किया है। हाँ, ओ वांगो वांगो, वेलकम वेलकम वेलकम। आइए आइए आइए। एक्चुअली अय्यर, इनके यहाँ पे पद्मावती भोजनालय से टिफिन नहीं आया, और जैसे हमारे घर का सिलेंडर खत्म हो गया, वैसे इनके यहाँ पे भी गैस खत्म हो गया। अब इनके घर में जो एक्स्ट्रा सिलेंडर था, जेठा जी ने वो हमें दे दिया, तो ये लोग अभी बाहर जा रहे थे खाना खाने के लिए। वो तो अच्छा हुआ कि मैं रसगुल्ला देने के लिए वहाँ पे गई, तो मुझे इस बात का पता चला, तो मैंने उन्हें यहाँ पे इनवाइट कर दिया। अरे बबीता, तुमने बहुत अच्छा किया जो इनको डिनर पर अपने यहाँ पर इनवाइट कर लिया। वो कहते हैं ना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर हमारे यहाँ पे सिलेंडर खत्म नहीं हुआ होता, तो जेठा जी भी अपना सिलेंडर हमें नहीं देते, और अगर उन्होंने हमें अपना सिलेंडर नहीं दिया होता, तो वो अपने घर में खाना खा रहे होते। यस यस बबीता, जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। अभी गैस का वजह से हमारे घर में गेस्ट आ गए। यार भाई, आप हमको गेस्ट समझते हैं? हम गोकुलधाम वाला तो एक परिवार है ना। हाँ, जस्ट जोकिंग जयटलर, हम सब लोग एक परिवार ही हैं। अच्छा अच्छा, आप लोग थोड़ी देर के लिए बैठे, मैं अभी खाना लगा देती हूँ। बबीता बेटा, बेटा तुमने तो दो लोगों का ही खाना बनाया होगा ना, तो
चाचा जी आपको मसाला खिचड़ी खानी थी ना, आप थोड़ी देर रुक जाइए, मैं अभी फटाफट बना देती। हाँ तो ऐसा है तो बेटा सुनो, हमारे घर पे मसाला खिचड़ी की सारी तैयारियां हो गई थी, सिर्फ मसाला डालना ही बाकी था। टप्पू बेटा तू एक काम कर, घर पे ही और फ्रिज में सब सब्जियां पड़ी है ना वो लेकर। अरे चाचा जी क्या जरूरत है, सब्जियां तो यहाँ पे भी है। लेकिन बेटा हमारे घर में तो सारी सब्जियां काट कर सब तैयारी है, तुम्हें मेहनत कम पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल बराबर कह रहे हैं बापू जी। टप्पू टप्पू चाचा तो मैंने वो फ्रिज में ना वो रखी है सारी सब्जी, वो काटी थी ना उसमें रखी, वो सामने ही है, वो लेके आ फटाफट। चल चल बेटा जल्दी लेकर आ। आप लोग थोड़ी बातें कीजिए, मैं खाने की तैयारी करती हूं। हां टप्पू आ गया। बबीता नहीं नहीं इट्स ओके यार अंकल, मैं बबीता ने को सब्जियां दे देता हूं और उनकी हेल्प कर देता हूं। ओके चाचा बेटा चाचा ओके।